और हिंदू एक धर्म का नाम है, उसी के नाम पर बनारस में BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जब वो स्पीच देते हैं तो वो एक तरफ तो धर्म की एक पुस्तक ले लेते हैं हाथ में और दूसरी तरफ वो भारतीय संविधान को लेते हैं। सूरज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमो बधाई। जय भीम। सूरज जी, एक बात बताइए कि धर्म और संविधान में क्या फ़र्क है, वो बताएं। मैं इस संबंध में आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो अपना आखिरी स्पीच देते हैं वो बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में देते हैं, और हिंदू एक धर्म का नाम है, उसी के नाम पर बनारस में BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जब वो स्पीच देते हैं तो वो एक तरफ तो धर्म की एक पुस्तक ले लेते हैं हाथ में और दूसरी तरफ वो भारतीय संविधान को लेते हैं, और वहाँ जमा छात्रों को बोलते हैं कि एक तरफ मेरे हाथ में भारत का संविधान है और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ मनुस्मृति है, आप बताइए देश के विकास में किसका योगदान है और देश के विनाश में किसका योगदान रहा है। निसंदेह सभी छात्रों ने एक राय होकर के मनुस्मृति को देश का विनाशक बताया और भारतीय संविधान को देश के विकास में सबसे ज़्यादा सहयोगी, सहभागी और इस देश के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक बताया। सूरज पाल जी, आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर आप लोग बोलते हैं बहुत सारा आडंबर है, तो कौन से आडंबर की बात करते हैं आप? दरअसल ऐसा नहीं है कि किसी अन्य धर्म में कोई आडंबर नहीं है। मैं धार्मिक आडंबरों पर ना जाकर के एक बात कहूँगा, जो हिंदू हैं उनके लिए वो आडंबर भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो मुस्लिम हैं मुस्लिम धर्म की जो भी छोटी मोटी कुरीतियाँ हैं वो भी उनके लिए मान्य हो जाती हैं, ऐसी अन्य धर्मों की बात है, लेकिन ये कुरीतियाँ जब ज़्यादा अनर्थकारी बन जाती हैं, जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका धर्म क्या है और उन पर ये थोप दी जाएँ, तो जो बहुजन लोग हैं दरअसल वो हिंदू धर्म का पार्ट ही नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं और उनको इस मुगालने में रखा जाता है कि आप हिंदू हो, आप दलित हो, आप अछूत हो, आप नीच हो, नीच भी कहते हैं और हिंदू भी कहते हैं, ये विरोधाभास, ये कंट्रोडक्शन, ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। अभी आर्टिकल 15 आई थी, आपने देखी नहीं? देखी जी, मैंने फर्स्ट डे का ही मैंने इवनिंग शो देखा था, फ्राइडे में ही जिस दिन वो रिलीज हुई। आर्टिकल 15 जैसी मूवीज इस और आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए वो बताएं, और क्या प्रेरणा देती है वो मूवी वो भी बताएं। बहुत सारे बहुजन समाज के लोग बोलते हैं कि ये मूवी नहीं देखनी चाहिए, तो क्यों नहीं देखनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए, ये सारे सवालों पर जवाब दें आप। देखिए, कूची की अपनी भाषा है, कलम की अपनी भाषा है और कैमरे की अपनी भाषा है। एक लेखक किस माध्यम से बोलेगा? एक लेखक अपनी कलम के माध्यम से बोलता है। एक चित्रकार, एक पेंटर किस माध्यम से अपनी बात कहेगा? वो कूची के माध्यम से अपनी बात कहेगा। और एक आर्टिस्ट वो कैमरे के माध्यम से अपनी बात कहता है। तो इस फिल्म को बनाने वाले मैं तमाम लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी बना करके आर्टिकल 15 की प्रायोजिता को सिद्ध करने का काम किया। और यह मूवी किसी धर्म, किसी जाति और किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। दरअसल भारत में वर्तमान जो सिस्टम है ये उस पर प्रहार करने वाली मूवी है, और ये बताने में कामयाब हुई है कि भारत में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। ये मूवी ये बताने का काम करती है कि आर्टिकल 15 किस तरीके से वायलेट होता है, किस तरीके से एक जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है उसमें किस तरीके से सिस्टम में बैठे हुए लोग किस तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करते हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग किस तरीके से डाउन ट्रेडन पीपल्स को नहीं सुनते हैं, उनकी आवाज़ को नहीं उठने देते हैं, और किस तरीके से 3-3 रुपए के ऊपर बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं कारित करके और पूरे समाज को आतंकित और भयभीत करने के लिए पेड़ पे टांग देते हैं। ये फिल्म निसंदेह भारत की वर्तमान परिस्थितियों का खाका खींचने में सफल रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।